चिराग जी, आज आपने संसदीय बोर्ड की बैठक की है, क्या चिराग जी सामने जी? देखिए, आज पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक आज की गई है। इस बैठक में कई तरीके के फैसलों पर मोहर लगानी जरूरी थी। आप सब जानते हैं कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अधिसूचना जारी हो गई और पहले फेज के नामांकन की प्रक्रिया भी अब शुरू हो रही है। तो ऐसे में प्रत्याशियों को लेकर, आने वाले दिनों में बिहार में चुनावी रणनीतियों को लेकर कई ऐसे अहम फैसले थे जिस पे केंद्रीय संसदीय बोर्ड की मोहर लगना ज़रूरी था। इन तमाम विषयों पर आज चर्चा हुई, कई प्रस्ताव भी पारित किए गए। मैं बोर्ड के तमाम सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि कई ऐसे फैसले हैं जिसको लेने के लिए बोर्ड के सदस्यों के द्वारा, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उसके लिए मुझे अधिकृत किया गया है। फैसले लेने के लिए मुझे पार्टी की तरफ से मेरे नाम का चयन किया गया है। ऐसे में पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम सदस्यों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। पठान, अब इसके बाद पूरी तरीके से हम लोग बिहार में अब कूच कर जाएंगे और आने वाले दिनों में एक बड़े रन की ओर हम लोग अग्रसर हम लोग हो रहे हैं। लक्ष्य हम सब का है 400 से ज़्यादा सीटें जीतने का। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस लक्ष्य को गठबंधन के तहत हम तमाम साथी मिलकर हम लोग जीतेंगे, ये विश्वास है। उम्मीदवारों की सूची, प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा चल रही है। कुछ नामों का सुझाव बिहार संसदीय बोर्ड के द्वारा आया है, उस पर भी आज चर्चा हुई है। पर मुझे लगता है अगले 2 से 4 दिन में तमाम नामों पर सहमति बन जाएगी, 5 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन जाएगी और 4 से 5 दिन के भीतर उसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। हाजीपुर के लिए ये एक सहमति ज़रूर हुई है और आज भी केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी इस बात को लेकर औपचारिक मोहर लगा दी गई है। इतना अब तय है कि हाजीपुर, जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहाँ से NDA के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा इस पर। बिल्कुल स्वागत चिराग जी। देखिए, मैंने हमेशा हर चुनौती का मैंने डट कर सामना किया, ना मैं किसी चुनौती से कभी घबराया, ना कठिन विपरीत परिस्थितियों में ना मैं कभी विचलित हुआ। ऐसे में इस चुनौती को भी मैं पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ। ये फैसला अंत में चाचा जी को ही लेना है। हमेशा उन्होंने कहा है कि अपने राजनीति में अपने अंतिम सांस तक वो प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे, NDA के साथ रहेंगे। ये वादे, ये दावे वे करते आए हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जी के 400 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है, क्या उसमें वह स्वयं रोड़ा बनेंगे, ये फैसला उन्हीं को ही करना है। पर हर चुनौती के लिए मैं तैयार हूँ, इसमें मुझे कहीं कोई कटना नहीं। क्या हो सकता है कि छोटे भाई हैं प्रिंस भाई? मैंने बार बार कहा है कि मेरे लिए अब ये सिर्फ ये सिर्फ राजनीतिक विषय नहीं है, मेरे लिए ये पारिवारिक विषय भी है। ये फैसले ऐसे फैसले हैं जो राजनीतिक दृष्टि से पार्टी को ही नहीं लेने हैं, बल्कि पारिवारिक दृष्टि से परिवार के सदस्यों को भी लेने हैं। ये वो फैसले हैं जिसमें तकलीफ मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों को, मेरे जीजा जी को, मेरी फुआ फूफा जी को, परिवार के हर एक सदस्य को इससे तकलीफ हुई है। पर मैं इतना भी मैं ज़रूर कहूँ कि पार्टी से, परिवार से अलग होने का फैसला तब भी उन्हीं का था। आज परिवार के साथ पुनः कोई जुड़ना चाहता है, नहीं जुड़ना चाहता है, आज भी ये फैसला उन्हीं का ही रहेगा।